नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 15 जनवरी शुक्रवार का दिन, राहु काल का समय 11:15 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का रहेगा सुबह का। इसके अलावा आज सूर्य जो है वो मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, पौष मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी आज। चलिए इसी के साथ जल्दी से राशियों की हम बात करते हैं, जानते हैं कैसा रहेगा दिन और क्या उपाय हो सकते हैं। मेष राशि, 7 of Swords एंड 2 of Cups आप लोगों के लिए करियर में खासे बदलाव दिखाई दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव रहेंगे। आज के दिन में आप लोग किसी से बात करने का तरीका आपको लोगों को हालांकि प्रभावित करेगा, लेकिन काफी हद तक आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इनिशियली दिन की शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें ठीक होने लग जाएंगे। तो उसके लिए बहुत पेशेंस के आपको इंतजार करने की जरूरत है। आज काफी लंबे से समय से चल रही जो मुश्किलें थी वो खत्म हो सकती है। आपको पर्टिकुलरली किसी तरह के संकेत जो मिल रहे हैं उन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मे बी आपको कहीं से कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हो तो वो चीजें आपके रिलेशनशिप में भी हेल्पफुल रहेंगी, इनफैक्ट प्रोफेशनली भी हेल्पफुल रहेंगी। करियर में जैसे मैंने कहा पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आज डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लक्ष्मी चालीसा का जाप आज जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि, क्वीन ऑफ कप्स एंड दी हैंड मैन रिवर्स कार है, कोर्ट कचहरी के मामले जो है उसमें लाभ की स्थितियां बन रही हैं। नौकरी में अधिकारी जो है वो आप लोगों से खुश रहेंगे। पिछले बहुत लंबे समय से अगर कोई काम रुका हुआ था या मे बी किसी तरह का कोई डिले हो रहा था वो आज के दिन में खत्म हो सकता है। दूसरों की अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें, लेकिन घर परिवार की पर्टिकुलरली अपनी मदर को लेकर की चिंताएं जो है वो लगी रह सकती हैं। आज लक्ष्मी जी को चांदी का सिक्का जरूर अर्पित करें और साथ ही में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें शाम के समय। मिथुन राशि, 5 of Cups, एस ऑफ सोल्स आप लोगों के लिए आज यात्राएं लाभदायक रहेंगी। किसी तरह की कोई समस्या हो सकता है या किसी तरह का कोई ऑब्स्टैकल जो है आपके काम के बीच में जरूर आ सकता है आफ्टरनून के आसपास, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। सो बी पॉजिटिव एंड हैव पेशेंस इन योर सेल्फ। आज व्यापार में वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर्स, आपके चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, आपको कहीं ना कहीं पे इससे सहयोग जरूर मिलेगा। नौकरी में आज के दिन में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, साथ ही में व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत जल्दी या बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। आज के दिन में उपाय आपको ये करना है, आप डोनेशन जरूर कीजिए, सफेद चीजों का दान जरूर कीजिए, जो नीडी लोग हैं उन्हें खाने की सामग्री का दान जरूर करें। कर्क राशि, 6 of Cups, द चैरियट आज दैनिक कार्य में आज के दिन में काफी हद तक आपको आराम रहेगा, व्यस्तता नहीं रहेगी, कामकाज करने में आपको बहुत एक इजी गोइंग चीजें हो जाएंगी, दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। छात्रों के लिए समय बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है, बिकॉज जो आपने डिसीजन लिए थे उससे अब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जरूर मिल सकते हैं। काफी हद तक कार्य क्षेत्र में कुछ काम को लेकर की वृद्धि की संभावना नजर आ रही है। नौकरी में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करना कमल गट्टे की माला से अच्छा रहेगा। सिंह राशि, लियो जल्दार एंड क्वीन ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है, नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके लिए अधिक वित्तीय स्थिरता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर आप उसे हासिल करना ही चाहते हैं सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि आप लोगों को मेहनत जो है वो काफी हद तक करनी पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अगर कोई अचानक से महत्वपूर्ण आपके सामने कोई डिसीजन मेकिंग आ जाता है तो उसमें लोगों की सलाह मशवरा लेनी पड़ सकती है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आप लोग अगर पर्टिकुलरली कोई अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज घर में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और नजर दोष से उनको जरूर बचाएं। घर में नमक से क्लीनिंग जरूर कीजिए, सॉल्ट वाटर क्लीनिंग जरूर कीजिए। आज के दिन में लक्ष्मी जी को पंचमेवे की खीर बनाकर के आप लोग जरूर भोग लगाएं। करियर राशि, 4 of Swords एंड दी डेविल, कार्य क्षेत्र में आप लोगों को प्रयास करने होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। काफी हद तक काम का बर्डन ज्यादा रहेगा, अचानक से पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं, दैट मीन्स इनकम सोर्सेज जो है वो बढ़ रही है। कोई पुरानी समस्या का हल आप लोग जरूर निकाल सकते हैं। वित्तीय स्थिति जो है वो बेहतर हो रही है, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। तुला राशि, 7 of Pentacles एंड फूल रिवर्स कार्ड है, सेहत से जुड़े मामले में थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। आप लोग पैसा भी कमाएंगे और उस पर लग्जरियस चीजों पर खर्चा भी करेंगे। व्यापारियों को लो के लिए व्यापार के हिसाब किताब से देखा जाए तो दिन आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। पैसे की अगर उसे खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा समझदारी से खर्च कीजिएगा और खास तौर पे छोटी छोटी बातों पर अपना आपा नहीं खोना है। ऐसा नहीं है किसी से भी आप लोग वाद विवाद में पड़ गए, उस चीज के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। अपने नहाने के पानी में नमक डाल करके, जो लाहौरी नमक होता है वो डाल करके स्नान जरूर करें।
चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज की वृश्चिक राशि। कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए टू ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ पेंटेकल्स। अपने सहयोगियों का पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आज के दिन में जो आपके वरिष्ठ जो हैं जो या जो अधिकारी हैं उनसे आज के दिन में सपोर्ट मिल सकता है। छात्रों के लिए काफी हद तक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कारोबारियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में लाभ होगा। आज दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ शुरू करें। धनु राशि, एस ऑफ पेंटेकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स, आप लोगों के लिए व्यापार से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा आपको फाइनेंसिस को लेकर की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर की छोटी मोटी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि स्वास्थ्य खराब हो। अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए आज अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आज के दिन में किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करने से बचे, अन्न का दान जरूर करें। मकर राशि, नाइट ऑफ सॉल्स एंड नाइन ऑफ पेंटेकल्स, आज के दिन में आगे पढ़ाई करने के लिए जो लोग प्रयास करें यानी कि हायर एजुकेशन के लिए, आज उन लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप लोग देने वाले हैं उसके लिए सफल हो सकते हैं। आज कार्यस्थल पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इनफैक्ट आज कोई आपसे जो बड़े हैं या जो बड़े भाई हैं उनका सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खासतौर पर ENT प्रॉब्लम्स। तुलसी में दीपक आज संध्या काल के समय जरूर जलाएं। कुंभ राशि, टेन ऑफ पेंटेकल्स रिवर्स कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है। जीवन साथी के कारण आज लाभ आपको हो सकता है। इसके अलावा भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन मेहनत जरूर कीजिएगा। छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल नजर आ रहा है, तो जो भी आप लोग एफर्ट डालने के बारे में सोच रहे थे, मान लीजिए कोई फॉर्म्स भरने के बारे में सोच रहे थे, द डे इज गुड फॉर यू। कार्यस्थल पर चीजें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। आज बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। मीन राशि, द हेरोफेंट एंड द सन कार्ड निकल रहा है। आज लोकप्रियता बढ़ेगी, वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हो सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा। दिनचर्या को लेकर के आज आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए आज सोच सकते हैं। आर्थिक लाभ जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आज सतनजा जो है सात अनाज को मिलाकर के उसे आप डोनेट जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।